नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। और आज कुकिंग सेक्शन में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शुद्ध मुल्तानी गरम मसाला। हाँ जी, गरम मसाला जो है वो एक आम चीज़ है, घरों में सबके मिलती है, लेकिन मुल्तानियों का जो गरम मसाला होता है वो शुद्ध होता है। शुद्ध होता मतलब वो कोशिश करते हैं कि घर में ही उसको पीस कर रख लिया जाए ताकि हर एक चीज़ में उसको यूज़ किया जा सके। जो कॉमन मसाला गरम मसाला होता है वो मैंने अपने घर पे बनाया है, पूरी साबुत स्पाइसेस लेकर, साबुत मसाले लेकर मैंने खुद ग्राइंड किया है और मैंने जैसे बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उसको देखने के लिए तो मेरी किचन में आपको चलना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं मैंने इसमें क्या क्या डाला है और कितना डाला है। इसके बाद फिर मैं आपको एक और गरम मसाला जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। मैंने यहाँ पर 20 ग्राम साबुत धनिया लिया है, कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक लिया जाए इसको। और उसके बाद मैंने 30 ग्राम जीरा, साबुत जीरा जो है लिया है, और ये मेरे पास 29 ग्राम पड़ा था इसलिए मैंने 29 ग्राम ही लिया है। 20 ग्राम या एक छोटी कड़छी जो है वो मैंने काली मिर्च ले ली है। और इसके बाद मैंने पाँच ही ग्राम ये दालचीनी और तीन टुकड़े, और 2 ग्राम जो है या 2 बड़े चम्मच लौंग, एक टुकड़ा सौंठ का, और 5 इलायची ग्राम, आप नीचे देख सकते हैं कितने हैं। और इसके बाद मैंने एक पैन रखा है गैस पे, उस पैन को गर्म कर लिया है पहले, अच्छी तरह गर्म हो गया, और फिर ये तीनों चीज़ें मैं उसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मैं हिला हिला कर सुखा लूँगी। भूनना नहीं है, ऐसा ना हो कि इसका स्वाद जो है, इसकी खुशबू अभी गर्म हो के सारी की सारी निकल जाए। इसके बाद सेक जो है देखो बिल्कुल कम कर दिया है मैंने, बहुत लो पे कर दिया है, और इसको चलाते रहना है लगातार, एक जगह रोकना नहीं है। चलाते रहने से ऐसा होगा कि ये हर तरफ से अच्छी तरह से इसका जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट में जो आजकल जो चीज़ें आ रही हैं उनमें अक्सर मॉइस्चर रहता है, और आजकल तो बारिशों के दिन भी हैं। और ये मैंने अच्छी तरह ड्राई कर लिया है इसको, और फिर मैं एक प्लेट में इसको तीनों को इकट्ठे ही निकाल लिया है। और अब इसके बाद जो है सौंठ को मैंने ऐसे कूट लिया है अच्छी तरह से, और दालचीनी के टुकड़े भी छोटे छोटे कर लिए हैं, लौंग ले लिया है, और इसके बाद जो इलायची थी मोटी इलायची उसके मैंने दाने निकाल लिए हैं और छील के अलग कर लिए हैं, और इनको भी मैं अच्छी तरह से इसी तरह से इसी पैन में ही ड्राई कर लूँगी ताकि इनका मॉइस्चर जो है वो अच्छी तरह से उड़ जाए। बहुत ही कम सेक पे जब इसको भूनेंगे तो थोड़ा सा बीच में ऐसे हाथ लगा के देख लें कि ये चीज़ें जो हैं गर्म होनी चाहिए, जलनी नहीं चाहिए, और हाथ से आराम से पकड़ी जाए ताकि इसका मॉइस्चर अच्छी तरह से उड़ जाए। और अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ, ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, और ठंडा होने पर मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो सबसे पहले मैं एक ग्राइंडर में जो है जो मसाला मैंने पहले पीस भूना था, सॉरी गरम किया था, सुखाया था, उसका मैं आधा ले लूँगी, क्योंकि ग्राइंडर छोटा है और थोड़ा थोड़ा करके पीसना चाहिए हमें, एकदम से सारा नहीं पीसना चाहिए क्योंकि वो बाहर निकल आता है ढक्कन से, प्रेशर बनता है। तो मैंने आधा मसाला ये पीस लिया है, और उसके बाद इसको मैं उसी पैन में ही डाल देती हूँ, इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसको आगे की प्रोसेस करेंगे। और बाकी जो ये साबुत है आधा डाला था, आधा और डाल रही हूँ, और इसको अब मैं फिर ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये एकदम से ज़्यादा देर नहीं चलानी है, बीच बीच में आप बंद करते रहें। और अब ये भी पीस चुका है, मैं इसको भी उसी पैन में ही मिला लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो सौंठ और दालचीनी वाला मसाला था, 4-5 चीज़ें थी, वो मैं अब इसमें डाल रही हूँ, अब उसको भी ग्राइंड कर रही हूँ। इसको ग्राइंड होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और बीच बीच में आप देखो अच्छी तरह से नहीं हुआ, एक बार फिर मैं इसको चला रही हूँ, और बीच बीच में आप बंद करते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, एकदम से पूरी देर, लंबी देर ना चलाएँ। तो अब खोल के देखते हैं तो ये पीस चुका है, अब ग्राइंड हो चुका है, तो इसको भी मैं उसी पैन में ही मिला लेती हूँ। यहाँ सारा मसाला इकट्ठा कर लिया है, तो अब ये जो है इस मसाला जो है इसको छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है रेशे
हो सकता है रेशे हों इसमें, तो वो रेशे निकल जाएंगे या कोई मोटा दाना रह गया है, दालचीनी जो है उसके अक्सर रह जाती हैं, तो उनको भी छान लेना ज़रूरी है। और छानने से पहले इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं। यहाँ मैंने एक छलनी ले ली है जो जूस वगैरह छानते हैं या पहले आटा छाना करते थे। तो यह छलनी जो है इसका साइज़ सुराख का जो है इतना होता है कि मसाले जो हैं उसमें से आराम से निकल जाते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं छान रही हूँ एक बड़े बाउल में। कोई बड़ा बर्तन ले लें क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर भी निकल रहा है, बाहर भी फैल रहा है, तो आप थोड़ा बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, मैंने तो छोटा लिया है। तो इसीलिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके डालना है, तो इसको जो बच गया बाकी ये छलनी में, उसको मैं ग्राइंडर में पहले भी एक बार और ग्राइंड कर चुकी हूँ, और इसको भी मैं फिर दोबारा से थोड़ा सा और जो बच गया था उसको छान रही हूँ। और अब इसको छान के जो निकलेगा फाइबर रेशा निकलेगा उसको मैं इकट्ठा डाल दूँगी। इस रेशे को इकट्ठा करके उसी ग्राइंडर में ही एक बार फिर चला लूँगी इसको 5-7 सेकेंड्स के लिए, और फिर इसको दोबारा इसमें छान कर मिला लूँगी। और अब ये मसाला तैयार है, फ्रीली फ्लो कर रहा है, ऐसे नीचे गिर रहा है, और इसको अब स्टोर कर सकते हैं आप किसी भी कांच के बर्तन में, और ये 1 साल तक मसाला ख़राब नहीं होगा, बढ़िया चलेगा। तो ये एक रेसिपी थी हम मुल्तानियों की शुद्ध गरम मसाला बनाने की। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ कितनी कितनी डालनी है। और आप भी कोशिश कीजिए इसको घर पर बनाने की, ताकि हम बाज़ार के मसालों की मिलावट से बच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।